19, 12, 15, 17, 18, 19. Anything else? Okay. तो 12th वाले में तो सिर्फ कन्वर्ट करना है साइन अपॉन कॉस. सर 11th भी कॉस अपॉन 1 माइनस टेन है प्लस साइन अपॉन 1 माइनस कॉट है ना. सर साइन अपॉन कॉस है और इलेवेंथ अपॉन साइन टेन कॉट को बना दो ये साइन कॉस कर दिया साइन अपन कॉस तो ये होगा कॉस ए माइनस साइन ए अपन कॉस ए और अब प्लस साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अभी माइनस कॉमन ले लेंगे ये कॉस ए माइनस साइन ए ये साइन ए माइनस कॉस ए एलसीएम क्या होगा कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए को मैं एलसीएम ले रहा हूं सो दैट इसमें माइनस एक आ जाए हां कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर है इसमें डालो ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अच्छा प्लस बी टू ए माइनस बी माइनस बी तो ये माइनस माइनस कॉट हो जाएगा अब अच्छा कॉस ए प्लस है सर बीच में माइनस कैसे आया कॉस स्क्वायर माइनस माइनस कॉमन ले लिया सर आपका स्क्रीन ब्लर हो रहा है बार बार सर स्क्रीन अटक गया सर आपका अटक रहा है सर सर स्क्रीन अटक गया ब्रो सर बराबर दिख नहीं रहा है हाँ सर हैंग हो गया सर सर ने बोला पावर फेलियर आई देयर प्लेस सर अब वीडियो नहीं दिख रहा अरे सर लेफ्ट हो गए सर लेफ्ट हो गए सागर शर्मा करके कोई है अभी होस्ट हेलो 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 हेलो
ये कोई सॉल्व करो रे। क्या सॉल्व करें? हेलो हेलो सर जॉइन होने वाले हैं। बोल ले ये कौन, ये ड्राइंग कौन कर रहा है इतना मस्त? ये कुछ कर मत, रिकॉर्डिंग हो रहा है। ये पूरा स्क्रीन कौन कर रहा है? अरे जो भी कर रहा है वो गया, रिकॉर्डिंग हो रहा है सब कुछ। नाम बताओ कौन है? तो कैसा कौन लिख रहा है ये सब? ये सागर कौन है उसको बोलो ना, वो होस्ट है, उसको बोलो वो कर सकता है होस्ट है। अरे नहीं, कोई सीजे को है, सीजे LKZLC स्क्रीन। स्क्रीन शेयरिंग की परमिशन तो होस्ट देता है ना, तो होस्ट डिसेबल कर देता है। अरे पर सर ही निकल गए तो बाद में सागर होस्ट सब एग्जिट करो सर, वापस आइए। हाँ अरे सर ने रुकने को बोला है, सर ने रुकने को बोला है। सर वापस बनाएंगे, हमको सॉल्व करना है फिर वापस नहीं बनाएंगे। कौन करे हमको, हम लोग को क्या सॉल्व कर? कोई स्क्रीनशॉट करके ऊपर क्वेश्चन लिख दो ना। बेस्ट आइडिया। कौन सा क्वेश्चन लिख? हाँ मम्मा सच्ची, मैं क्वेश्चन बोलता हूँ। अब अभी क्यों या फिर कोई अभी क्यों जा रहा है? स्क्रीन शेयर कर दो ना, या फिर जिन्होंने सॉल्व किया वो लोग स्क्रीन शेयर कर दो ना अपने सॉल्विंग का। ये रिकॉर्ड लेक्चर भी केक करके बोलो, एक एक करके जिसने भी सॉल्व करके सारे सम्स, जिसको सारे हैं उसको बोलो स्क्रीन शेयर करे, उसके सारे सम्स देख सकते हैं, जिनको नया आया वो क्लियर कर सकते अपने डाउट। जिसने किए सारे उसको बोलो शेयर कर देगा स्क्रीन। और किधर है? हेलो पास 11th सम में 11th सर किधर है? हेलो हेलो हाँ 11th सम, 11th सम उसमें बस रैशनलाइज करने मतलब से a माइनस टेन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं सब हो जाएगा। कौन सा वाला है? कौन सा सम है? 11th वाला, ये वाला तो सर ने दिया। थैंक यू। नहीं ये 11th वाला नहीं है। नहीं मैं पूछ रहा था 11th वाला। थैंक यू जिसने भी बोला। इसको मालूम है सर किधर है? सर एग्जिट हो गए। अच्छा वे कोई कर रहा है डू दिस, दिस इज सेंड बाय सर। क्या है ये? ये वाला सम करने का है। हां करने का है। ठीक है तो अच्छा कर लेते हैं। Thank you, Public Science Project, I guess, thank you, today, this is one, and the regular, so thank you, ladies and gentlemen. Drag it. Minus for common, Lilia. Achoo.
बेटा थोड़ा दिमाग लगाओ, बिना दिमाग में नहीं होता है। इसमें मैंने बोल के बताया कि ये cos a माइनस साइन a, ये साइन a माइनस cos a, एलसीएम क्या रखा? सर वो समझा, ऊपर वाला नहीं समझा था। ये समझा तो फिर ये इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ? इसमें क्या है, इसमें साइन a माइनस cos a, मैं cos a माइनस साइन a ले रहा हूँ तो क्या होगा? cos a माइनस साइन a वही होगा, सेम ही हुआ। तो माइनस लोगे बाहर, माइनस आ जाएगा। समझा सर, समझा। माइनस कॉमन लेके बाहर, माइनस कॉमन बाहर आ जाएगा। फिफ्टीन वाला भी इजी है सर। देन फिफ्टीन tan upon 1 minus cot a plus cot a upon 1 minus tan a। सर सबको sin a cos a में कन्वर्ट कर देने का सर, और सॉल्व करने का, हो जाता है सर। ये क्वेश्चन आपका भी मतलब 10th में ही था? हां सर। सबको sin cos चेंज करो आ जाएगा, इसमें कोई ये नहीं। 17 वही करेंगे, साइन कॉस में सबको कन्वर्ट करो। तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos a upon sin a, cos theta upon sin theta minus 1 upon sin theta sin theta plus sin theta upon cos theta plus 1 upon cos theta 1 upon cos theta। इसका एलसीएम हो गया sin theta, न्यूमरेटर होगा sin theta plus cos theta minus 1 minus 1, इसका होगा sin theta प्लस कॉस थीटा प्लस 1। ऑलराइट, एक्चुअली कॉस थीटा साइन प्लस कॉस थीटा, इसके लिए अपॉन साइन थीटा, इसका अपॉन कॉस थीटा। तो ए प्लस बी माइनस बी डालो, ए प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। और साइन है कॉस से बचेगा ऊपर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कितना होगा? 2 साइन कॉस है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 प्लस स्क्वायर थीटा, और माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। हां 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। नाइस, समझा ये? हाँ सर। और जो नाइन्थ टेंथ में जैसे कर रहे थे ना, स्टेप बाय स्टेप, वो आदत छोड़ो, इधर वो चलने वाला नहीं है। हाँ सर। जितना आप मेंटली कर पाओगे आपका उतना स्पीड बढ़ेगा। यस सर। सर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने का, cot a cos a upon cot a plus cos a, ये प्रूव करेंगे cot a minus cos a upon cot a cos a। सर क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा आंसर, कर सकते हैं, इज इक्वल टू लिखते हैं। ठीक है,
तो आपको प्रूव करना है इट इज कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए इंटू कॉस ए, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो करो, नहीं तो आप सीधा एलएचएस टू भी आरएचएस हम निकाल सकते हैं एलएचएस। इट इज कॉट ए कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। मुझे चाहिए क्या आपको कॉट ए माइनस कॉस ए न्यूमरेटर में चाहिए, ठीक है ना। तो वो चीज को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कॉट ए माइनस कॉस ए। राइट, अब डिनोमिनेटर क्या हो गया cot square a minus cos square, numerator as it is cot a cos a into cot a minus cos a, ये हो जाएगा आपका cot square a minus cos square, then we'll simplify that, ठीक है। इसमें मैं काम कर रहा हूँ, ये पार्ट में एक sin square a multiply divide कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा क्यों किया? ताकि वो सेकंड पार्ट में व्हाट आई डिड आई मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड sin स्क्वायर a, वो tan स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? tan स्क्वायर a बन जाएगा। सॉरी सॉरी नहीं, cot स्क्वायर, अच्छा cot स्क्वायर a बन जाएगा फिर कॉमन। सो सो दैट यू कैन टेक cot स्क्वायर a कॉमन, ये भी cot स्क्वायर हो जाएगा, ये भी cot स्क्वायर a, तो यू कैन टेक cot स्क्वायर a कॉमन। हां सर, व्हिच इज cot a cos a माइनस कॉस ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए यू कैन टेक कॉमन, बचा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कितना हुआ कॉस स्क्वायर है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक कॉट ए कैंसिल होगा, एक कॉस ए कैंसिल होगा, बचा क्या कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए इनटू कॉस ए व्हिच इज योर आरएचएस। सर सर मैंने LHS और RHS दोनों को किया सिंपलीफाई, तो ऐसे करके भी मुझे आया, चलता है वैसे, चलता है कोई प्रॉब्लम। ओके सर, ठीक है। समझाइए। हाँ सर, सर इसमें भी साइन एस कॉस ए के टर्म्स में कर देने का सर, तो कैंसिल हो जाता है ऊपर नीचे। तो इसको क्या प्रूव करना है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो आज योर आंसर इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, तो सबको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करो, sec स्क्वायर थीटा चेंज टू 1 बाय cos स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा चेंज टू 1 बाय sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस स्टेप में डायरेक्टली लिख रहा हूं, आपको समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना। दिस बिकम cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर टू 4,
am I right? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये हो जाएगा sin square theta upon 1 minus sin raised to 4 theta. Okay? Into sin square theta cos square. तो इसको मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, मतलब एक एक अंदर ले रहा हूँ. तो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस पावर फोर, नॉट कॉस स्क्वायर, कॉस रेज टू फोर इनटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इनटू वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. ये स्टेप्स नहीं समझा तो बताओ. हाँ सर, अपने मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे. फर्स्ट स्टेप नहीं समझा तो बताओ. सर नीचे का नहीं समझा. नीचे में मैंने क्या किया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यूज किया. अच्छा समझ गया. वन माइनस कॉस रेज टू फोर आई यूज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर व्हिच इज वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ओके सर. 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा. ओके सर. अंडरस्टूड. लाइक दैट ये हो जाएगा साइन रेज टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इनटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा. बराबर लाइक प्रीवियस वन. ये जैसे हुआ ये सर. हां so I was having a doubt, do we have a limitation on the number of steps that we have to show when solving a problem of trigonometry? Sorry? Do we have a limitation as to the number of steps that we have to show when we are solving a problem based on trigonometry? Like ki 3 steps mein khatam karna hai ya 4 steps mein, aisa kuch nahi hai na? Kaun sa limitation ki baat kar rahe ho? स्टेप्स का सर, कि तीन स्टेप्स में खत्म करना या फिर चार में, या फिर हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, लाइक दूसरे मेथड से करेंगे तो. नहीं ना. ओके. नो सच लिमिटेशन इज देयर बिकॉज़ आपको तो सब्जेक्टिव नहीं है ना, ऑब्जेक्टिव, तो आप कैसे करोगे. बट आप जितना मेंटली कर पाओगे आपका स्पीड बढ़ेगा विद इन. सो इन जेई देयर आर nearly 20 to 22 questions per hour. So each questions you'll get 3 minutes max. So 3 minutes ke andar aapko solve karna hai. So isliye aapka speed badhana padega. What you have done before 9th 10th mein sab aise aise ek ek step likhte the, abhi aisa karoge to koi fayda nahi hoga. Okay, so mentally karna sikho. तो इसमें थोड़ा स्पीड बढ़ता है. बाकी कोई स्टेप पर समझ में नहीं आ रहा तो बताओ. इसको नहीं समझा तो बताओ. ये स्टेप दिस टू दिस समझा सर. आगे जाओ. समझा सर. समझा सर. साइन स्क्वायर कैंसिल्ड, कॉस स्क्वायर कैंसिल्ड. व्हाट इज योर एलसीएम नाउ? Sin square 4 plus cos square 4. Direct result. 1. Sin square sin power 4 plus cos power 4. Last time I'm kidding. 1 minus 2 sin square theta cos square theta. 1 minus 2 sin square theta cos square theta. Right? Next. These two. Cos power 4 sin square plus sin power 4 cos square. Common क्या जाएगा? Um,
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आपका cos रेस टू 4 साइन स्क्वायर प्लस साइन रेस टू 4 कॉस स्क्वायर है ना साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर तो कॉमन इज द साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा देन यू हैव क्या बचा और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यस और ये वैल्यू कितना देगा वन तो आपको बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा कॉस अपॉन सर वापस ये स्टेप दिखा समझाओ ना अपॉन वन माइनस वन प्लस कौन सा स्टेप कॉस रेस टू फोर कॉस रेस टू फोर थीटा को आपने किया ना अभी वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वो वाला ये लास्ट टाइम हम किए थे हाँ लास्ट टाइम मैंने दो रिजल्ट्स दिया था साइन रेस टू फोर प्लस कॉस रेस टू फोर इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और एक दिया था साइन रेस टू सिक्स प्लस कॉस रेस टू सिक्स ये क्या था ए प्लस बी द होल क्यूब का था माइनस थ्री ए बी वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर cos स्क्वायर मैंने बताया था ये सब हम डायरेक्टली यूज करेंगे बार बार इसको नहीं करेंगे ओके ओके एक बार कर दिए तो हो गया मतलब फिर बार बार उसको थोड़ी करेंगे उसका रिजल्ट को यूज करेंगे आपको ब्रैकेट ओपन करते वक्त क्या किया वो समझा नहीं मतलब आपने एक्सप्रेशन यूज किया ना ये वो समझा और ब्रैकेट ओपन करते वक्त क्या किया वो नहीं समझा cos रेस टू 4 into 1 तो cos रेस टू 4 थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा cos देखो मैंने मार्क जो किया सिमिलर मार्क जहाँ पे किया उसको मैंने कंबाइन किया एक ग्रुप बनाया cos रेस टू 4 प्लस sin रेस टू 4 उसको एक ग्रुप बनाया अच्छा उसका रिजल्ट डाला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा फिर इसका एक ग्रुप बनाया इसका मैंने इधर लिखा एवरीथिंग हियर ओनली इफ यू मल्टीप्लाई दिस टू यू गेट cos रेस टू 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस साइन रेस टू फोर कॉस स्क्वायर थीटा ओके यस नाउ फ्रॉम दिस टू वी कैन टेक साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन कॉमन देन यू हैव कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट बिकेम 1 ये 1 हो गया ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बचा तो अच्छा उसको मैंने लिखा ओके समझा सर समझा अभी समझ अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और एक वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है प्लस साइन फोर अच्छा हाँ हाँ डबल यस अब वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अब ये वन प्लस वन टू टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर हाँ सर समझा ओके ओके समझा सर ओके सर मैं आपको पुश कर रहा हूँ कि आप मेंटली करना सीखो सब कुछ मैंने साइड में लिखा है ठीक है समझ में नहीं आ रहा है आप 10 बार पूछो कोई दिक्कत नहीं जिसको समझ में नहीं आ रहा पूछो बट मैं कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मेंटली करना पड़ेगा आगे जाके फिर भी किसी को समझ में नहीं आया बताओ समझा सर समझा सर समझा सर समझा सर समझा ओके थैंक यू डन यस सर हाँ सर First listen, try to understand, then write. Okay, मैं लिखने के टाइम पर मत लिखो
इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ ये तो पूरा दिखाई दे रहा है सो यहाँ पे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बार बार अप्लाई कर रहे हैं ना इसमें डालेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा साइन फोर थीटा माइनस कॉस फोर थीटा साइन फोर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा हाँ और उसको वापस और फिर उसको वापस करना वापस करना है साइन स्क्वायर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा मिल गया सेकंड फैक्टर हाँ इसको फिर डालेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हाँ सर तो a प्लस b वन हो जाएगा और ये आपका वन दे दिया तो इतना बचा मिला हाँ देखो ये रिजल्ट कितना यूज हो रहा है तो इसलिए मैंने बताया था कि आप थोड़ा याद रख लो ताकि आप डायरेक्टली यूज करोगे एनीथिंग एल्स सर क्या आप इसका बुकलेट भेज सकते हैं मैं लेट ज्वाइन हुई थी तो मेरे पास है नहीं पीडीएफ ग्रुप पे भेज सकते हैं क्या लास्ट टाइम भेजा था ना मैंने सर मैं उस ग्रुप में थी नहीं मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ इसलिए ठीक है अभी डाल दो सर मेरा भी सेम है मैंने कल से शुरू किया अभी डाल देता हूँ ठीक है बट उसको अभी खोल के मत देखना यहाँ पे देखो एनीथिंग एल्स और कुछ डाउट है क्या नो सर नो सर नो सर करते लास्ट टाइम हम डिस्कस किए थे एएसटीसी है ना यस सर हाँ सर फर्स्ट क्वाड्रेंट ए स्टैंड फॉर ऑल एवरीथिंग पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक दिस टू आर पॉजिटिव अदर फोर नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट टैन एंड कॉट Both are greater than equal to zero. Other four negative. In fourth quarter, cos theta and sin theta. Sin theta. Okay. Now, now come to your general angles. हम angle को कैसे हम define करते हैं? यहाँ पे आपको कौन सा angle मिलता है? On positive x-axis, आपको क्या-क्या angles मिल सकते हैं? 0, 360. 0 degree 2 pi 2 pi 2 pi 2 pi 4 pi 4 pi 6 pi 8 pi ऐसे होगा इवन हाँ अब ऐसे रोटेट करोगे तो माइनस 2 pi - 4 pi - 2 pi - 4 pi राइट So, how many angles you are getting in this side? Even 2n plus 2n. Infinite number of angles you are getting. Infinite. Okay. Yes, sir. So, isko hum
एक सेट फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं 2n पर. सो दिस एंगल यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ 2n पर. व्हाट इज योर n? इंटीजर. इंटीजर. बट n बिलोंग्स टू इंटीजर, नेचुरल नंबर नहीं क्योंकि नेगेटिव भी आ रहा है. ठीक है. इतने सारे चार एक मिनट सर. हिंट फॉर 2 और 6 किसने बोला ये? तेज सर. बेटा आपका माइक ऑन है कि नहीं? तेज सर नो माइक. ओके वो लिखते जा रहे सेकंड एंड सिक्स के लिए हिंट. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन क्या प्रॉब्लम हुआ बेटा? साइन ए प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए कॉस ए इक्वल टू साइन क्यूब ए. सीधा फॉर्मूला 1 के जगह डाल दीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए. सर उससे भी बेस्ट आरएचएस को सॉल्व किया तो डायरेक्ट आ जाएगा आरएचएस को. एक हां सर आरएचएस को किया तो इसने ये साइन ए प्लस कॉस ए इनटू 1 माइनस साइन ए कॉस ए. एक क्वेश्चन ना. हां वो तो वही तो बहुत. अब 1 के जगह मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए. अब कौन सा फॉर्मेट दे दिया? a plus b square plus b into a square plus b square minus ab. इसका फॉर्मूला a cube plus b cube a cube minus b cube a cube minus b cube plus b cube a cube plus b cube a cube plus b cube. वही आपका RHS. yes. तो वो चित्र sin cube है plus plus. सर आरएचएस से एलएचएस जाके चलेगा ना मतलब फिर? हाँ क्यों नहीं चलेगा? नहीं मेरे को लगा एलएचएस से आरएचएस जाने का है. सिक्स्थ वन साइन में कन्वर्ट कर दो कोसेक को. नहीं तो ये एलसीएम भी पूरा दिखता है. हाँ सर cosec theta upon cosec theta minus 1 plus cosec theta upon cosec theta plus 1. cosec theta you can take common. LCM ho gaya cosec theta plus 1 into cosec theta minus 1. cosec theta square cosec square theta minus 1. तो cosec square theta minus 1 होगा. numerator होगा cosec theta plus 1 minus cosec. ये होगा cosec theta minus 1. ये भी cancel हो गया. तो ये हो गया 2 cosec theta into cosec theta. तो 2 cosec square theta upon cot square theta. इसको 1 by sin करो, इसको cos by sin कर दो. साइन साइन कैंसिल होगा 2 बाय cos स्क्वायर दैट इज 2 sec स्क्वायर थीटा. बेटा कुछ तो कोशिश करो. सर मैं थोड़ा अलग किया लेकिन आया आंसर मतलब आया प्लस. क्या लोग क्या सर? पहले मैंने स्क्वायर कर दिया उसके बाद वैसा ही किया लेकिन फिर अंडर रूट ले लिया मतलब फिर बाद में स्क्वायर करके अंडर रूट ले लिया मतलब स्क्वायर करके फिर स्क्वायर रूट ले लिया. स्क्वायर करके स्क्वायर रूट ले लिए. रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर मतलब आप बोलते हो कि 2 स्क्वायर रूट ओवर इज 2. पहले मैंने स्क्वायर किया उसके बाद वो. हाँ मैंने तो वही किया ना स्क्वायर करके फिर स्क्वायर रूट ले लिया.
आप बोलते हो ये टू स्क्वायर रूट ओवर इधर टू यस यस माइनस टू स्क्वायर रूट ओवर बी माइनस टू नहीं टू आते है तो उधर ही बेटा फंस जाओ अच्छा ओके स्क्वायर करके रूट ओवर करोगे चलो बाद में देखते हैं ये बेटा आपको समझ में आया सर एक बार वापस समझाओ ना क्या वो टू टू पाई वाला मतलब टू पाई फोर पाई वैसे मैंने पूछा था इधर आपका क्या क्या एंगल्स आ सकता है एक्स एक्सिस के ऊपर क्या क्या मतलब एक्स एक्सिस दिस साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर क्या क्या एंगल्स हो सकता है तो जीरो एंगल यहां से स्टार्ट होता है आपका एंगल यहां से आप कंसीडर करते हो ना ऐसे घुमाते हो तो दिस एंगल इज द जीरो एंगल फिर आप एक बार रोटेट करके इधर पहुंच जाते हो कौन सा एंगल दे दिया 360 इज द 2 पाई क्योंकि पाई का वैल्यू था 180 डिग्री तो आप जो 360 डिग्री बोल रहे हो दैट इज इटसेल्फ 2 पाई तो वन कंप्लीट रोटेशन इज द 2 पाई 2 पाई ओके फिर और एक बार रोटेट करके इधर पहुंच जाओगे तो 4 पाई 4 पाई फिर और एक बार रोटेट करोगे ओके ओके 6 पाई तो इसलिए यहां पे जितने सारे एंगल्स मिले सबके सब इसी फॉर्मेट में रहे 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई 100 पाई लाइक दैट और यहां पे मैंने रोटेशन को क्या कराया था एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था क्लॉकवाइज अब इसको मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो हां तो माइनस माइनस 2 पाई माइनस 4 पाई माइनस उल्टा एंगल आएगा ना नेगेटिव एंगल आ जाएगा तो माइनस 2 पाई मैं ऐसे घुमाऊंगा तो दिस बिकेम माइनस 2 पाई ठीक है माइनस 2 पाई माइनस 4 पाई माइनस 6 पाई ऐसे मिलता है तो यहाँ पे तो बहुत सारे एंगल्स मिला इनफिनिट नंबर ऑफ एंगल्स मिला तो इसको मैं फिजिकली लिख नहीं पाऊंगा सो यू नीड टू टेक हेल्प ऑफ सेट सेट का हेल्प लेना पड़ेगा ठीक है तो इसको मैं सेट फॉर्मेट में कैसे लिखूंगा हाउ टू राइट दीज ऑफ एंगल्स इन द फॉर्म ऑफ सेट 0 2 4 सब में तो पाई आ रहा है तो पाई को अलग कर दो छोड़ दो 0 2 4 6 8 10 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 सारी इवन नंबर है इसको क्या बोलते हैं 2n सेट ऑफ इवन नंबर्स सेट ऑफ इवन नंबर्स इवन नंबर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं 2n 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 n बिलोंग्स टू इंटीजर अब n पे जगह 0 डालो 0 मिल गया 1 डालोगे 2 मिलेगा 2 डालोगे 4 मिलेगा 3 डालोगे 6 मिलेगा 50 डालोगे 100 मिलेगा सर 2n पाई होता है ना पाई को मैंने अलग कर दिया पाई तो सब में है इसलिए पाई को मैंने अलग किया मैं व्हाट आई एम टेलिंग दिस इज द सेट ऑफ इवन नंबर्स में पाई बोल नहीं पाओगे ना मतलब एंगल्स इवन नंबर्स के सेट में मिलता है वैसे ना एंगल्स इवन पाई फॉर्म में मिलता है तो आपने पाई को कैसे अलग कर दिया पाई तो होना चाहिए ना बाद में फिर सेट में सेट ऑफ इवन नंबर्स को कैसे अच्छा सिर्फ इवन नंबर की बात कर रहे हो एंगल की नहीं सेट ऑफ इवन नंबर्स को आप 2n फॉर्मेट में लिखोगे तो सब में तो पाई जुड़ा था इसलिए 2n पाई हो गया ओके सर समझ गया दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ इवन नंबर्स तो इसके साथ और एक पाई मल्टीप्लाई हो तो इधर इवन नंबर्स नहीं मिल रहा है इधर सब इवन पाई मिल रहा है अंडरस्टूड हाँ समझा सर ठीक है तो इसको आप बेस मान लो दिस इज योर बेस एंगल ठीक है पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल इज द इवन पाई उसको आप बेस मान के बाकी सब एंगल्स आप निकाल सकते हो सर एक बात पूछू हाँ बोलो सर जब भी हम लोग ने एक रोटेशन किया एंगल का तो 360 तक मिला हम लोग को
और जो हम लोग ने दूसरा रोटेशन करने का, तो उसमें एंगल्स थोड़ी ना बढ़े, 360 डिग्री रहेगा ना। वैसे मुझे समझ में वो चीज कॉन्सेप्ट नहीं आया। 400 डिग्री कैसे निकालोगे? ज्यादा और एक रोटेशन करना माइनस 360। तो आपको 400 डिग्री तो आप फिजिकली निकाल नहीं पाओगे ना। 400 डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा? दो बार रोटेशन, एक बार 360 प्लस 40। तो दिस इज द 400 डिग्री। ओके, मतलब समझा। 400 डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री। 400 डिग्री 40 डिग्री, आप 400 को थोड़ी बोल सकते 40। तो 400 डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री, क्योंकि 360 से आप ज्यादा एंगल कुछ नहीं होता है फिजिकली, बट हम तो 1000 डिग्री तो बोल सकते हैं ना। हाँ वो तो, हाँ समझा। ठीक है, इसलिए वो एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, बट वंस यू साइन अप 400 डिग्री दैट बिकेम इक्वल। अब ये जो सिमिलर मतलब ये था इक्विवेलेंट, अब इक्विवेलेंट नहीं होगा, ये इक्वल हो जाएगा साइन। ओके सर, समझा। ठीक है, तो नाउ ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस यू गॉट इवन नंबर्स n पॉइंट वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, दिस इज कॉल्ड इवन पाई। यहां पे आपको इवन पाई का एंगल मिला। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एंगल मिलेगा? एक सेकंड सर, 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, ऑड नंबर्स पाई, 2n प्लस 1 पाई, पाई 3 पाई। यस, मतलब आप इसको मान लो कि दिस इज द बेस्ट, 2n पाई प्लस 1 पाई। यस, आप यहां से कितना रोटेट कर रहे हो? 1 पाई 1 पाई पाई, तो 2n पाई प्लस पाई करेंगे। यस, व्हाटएवर एंगल यू गॉट हियर प्लस पाई होगा ना इधर के लिए। हां सर, सो दिस एंगल इज द 2n पाई प्लस पाई, मतलब 2n प्लस 1 इनटू 1, और इट इज कॉल्ड ऑड। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल इज द इवन पाई, नेगेटिव एक्स एक्सिस एंगल इज द ऑड पाई, ऑड पाई। टोटल एक्स एक्सिस में कौन सा एंगल मिलेगा? ऑड n पाई। यस, प्लस ऑड पाई, नहीं नहीं सारे n पाई, n पाई, n पाई, n पाई। सेट ऑफ इवन नंबर यूनियन प्लस नहीं यूनियन ऑफ ए सेट के साथ ए सेट यूनियन होगा, कंबाइंड होगा। सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स क्या लिखेंगे? एन पाई, एन पाई, एन पाई। सेट ऑफ इंटीजर को क्या लिखते हो? एन पाई, एन लिखते हो ना, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एन बिलोंग्स टू, दिस इज पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर एन पाई एंगल आता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर इवन पाई आता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस ऊपर ऑड पाई आता है, बट टोटल एक्स एक्सिस के ऊपर इवन पाई एज वेल एज ऑड पाई, इवन एज वेल एज ऑड, तो टोटल इंटीग्रल सेट आ जाएगा। तो इंटीग्रल सेट ऑफ पाई, इज दैट क्लियर? यस। अब बताइए मुझे इधर कौन सा एंगल मिलेगा? पाई बाय 2 और पाई बाय 2 इन जनरल पाई बाय 2 द वन ऑफ द एंगल। So 2n pi plus pi by 2. Very good. 2n pi plus pi by 2. 2n pi. यहाँ पे आपको 2n pi का एंगल मिल रहा है। यहाँ से इधर जाने के लिए आपको कितना रोटेट कर रहा है? 90 degree. Pi 90 degree. Pi by 2. This is 2n pi plus. Plus pi by 2. Pi by 2. Or you can write 4n plus 1 into pi by 2. Am I right? Yes. Pi by 2 LCM रखा, common रखा, then 4n plus 1. तो पाई बाय 2 कैसे आया? यहाँ से कितना एंगल रोटेट कर रहा है इधर आने के लिए? 90 डिग्री। 90 पाई बाय 2 होता है ना? ओके आया, समझा। पाई होता है 180 डिग्री, 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2, तो यहाँ पे 2n पाई मिला था, 90 को रोटेट कर दिया, बराबर? यस। इधर का एंगल क्या होगा? सर माइनस पाई बाय 2 कर देंगे, 2n पाई माइनस पाई बाय 2,
ऐसे रोटेट कर देंगे, नहीं तो कोई बोलेगा कि मैं ऐसे रोटेट करके आऊंगा तब भी चलेगा, क्या होगा? 3π/2 यस ठीक है, 12π + 3π/2 ऐसे रोटेट करके आओ चलेगा, नहीं कोई ऐसे रोटेट कर जाएगा तो -π/2 सर अगर क्लॉकवाइज रोटेट करते तो उस केस में हमें 360 डिग्री लेना होगा ना पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू सर लाइक हमने अगर रिवर्स करते तो फिर हमें 2n पाई में वैल्यू 360 लेना होगा ना, 2n पाई की वैल्यू 0 डिग्री अगर हम लोग कंसीडर करके लेते हैं पीछे तरफ से क्लॉकवाइज तो फिर सर नेगेटिव में जाएगा तो माइनस नेगेटिव 90 हो जाएगा काइंड ऑफ, हां तो वही लिखा है सर, वही तो लिखा मैंने, मैं तो वही लिखा ना। आपका यहाँ का एंगल क्या है? मैंने इसलिए बताया था कि मेक इट दिस एंगल आज द बेस्ट एंगल, यहाँ से आप सब कुछ कंसीडर करो, इधर आपका कौन सा एंगल मिल रहा है, नॉट ओनली जीरो, आपके दिमाग में जो है कि इसमें सिर्फ जीरो मिल रहा है, इट इज नॉट ओनली जीरो, जीरो मिल रहा है, 360 डिग्री मिल रहा है, 720 डिग्री मिल रहा है, 1080 डिग्री मिल रहा है, तो एवरीथिंग यू आर गेटिंग, तो यहां पे जो एंगल होता है इन जनरल दैट इज कॉल्ड 2n पाई एंगल, हां सर, तो 2n पाई से आप इधर पहुंचने के लिए आपको 3π/2 रोटेट करना पड़ेगा, इफ यू रोटेट लाइक दिस, तो यू कैन कॉल 2n5 + 3π/2 दैट आल्सो राइट, नहीं कोई ऐसे रोटेट करके आ जाएगा उसको तो हम मना नहीं कर पाएंगे ना, तो क्यों ऐसे रोटेट कर रहे, तो मैं यहाँ पे मैंने ऐसे रोटेट कर लिया, तो दिस रोटेशन इज द दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दैट्स व्हाई पॉजिटिव एंगल +3π/2 बट दिस रोटेशन इज द क्लॉकवाइज रोटेशन सो एंगल इज द -π/2 तो ये लिखो नहीं तो 2n5 + 3π/2 लिखो दैट आल्सो राइट दोनों में कोई फर्क नहीं बोथ रिमेन सेम ओके सर बराबर हां तो यहां से π/2 कॉमन रखेंगे तो 4n - 1 × π/2 तो आप 0 कंसीडर करो कि 2π कंसीडर करो कि 100π कंसीडर करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब बताओ टोटल y एक्सिस क्या होगा रैशनल नंबर नहीं मतलब फ्रैक्शन नहीं सर रुक जाओ 4n π4n π/2 4n + -1 π/2 जो बोल रहे वो राइट बोल रहे बट 4n + -1 कौन सा सेट देता है एक बार चेक करो ऑड पाई यस सर क्या आएगा 5/2 दोनों में है तो 5/2 को मैं साइड में रखता हूँ मैं 4n+1 सेट के साथ 4n - 1 सेट का कंबाइन कर रहा हूँ यूनियन कर रहा हूँ सेट ऑफ 4n+1 यूनियन सेट ऑफ ऑड नंबर्स 3 5 ये कौन सा सेट दे रहा है ऑड नंबर का 3 5 7 कौन सा नंबर दिया 3 5 7 4n+1 में आपको 1 5 9 13 17 ऐसे मिलेगा 4n-1 में -1 3 7 11 ऐसे मिलेगा इन दोनों को जब कंबाइन कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है 1 3 5 7 9 11 13 -1 -3 -5 -7 सब कुछ मिल रहा है तो कौन सा ऑड नंबर मिला ऑड इंटीजर सेट ऑफ ऑड नंबर्स ऑड इंटीजर तो टोटल वाई एक्सिस को मैं लिख सकता हूँ ऑड नंबर्स को कैसे लिखते हैं
क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं सर, वो बस कुछ भी नहीं, रिप्रेजेंटेशन के लिए 180 डिग्री का. 2n plus 1 and 2n minus 1 में क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं है सर. जब कुछ नहीं फिर ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि सर तो माइनस भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस लिख सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, कहीं क्लॉकवाइज तो कोई एंटी क्लॉकवाइज है, उसके बेसिस पे. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कहां घुस गया? सर वो नहीं सर, रुक जाओ. सेट ऑफ 2n plus 1, सेट ऑफ 2n minus 1, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं. आई का क्या? क्या कुछ नहीं सर. कुछ नहीं डिफरेंस. हाँ सर, देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन दिस टू इफ एन बिलोंग्स टू इंटीजर. यस ओके, इफ एन बिलोंग्स टू इंटीजर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. बट इफ एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दोनों पूरी तरह डिफरेंट होंगे. वन नहीं आएगा एक इस... इसमें वन नहीं होता है, ये थ्री से स्टार्ट होगा. ये पेन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये थ्री से स्टार्ट होगा, थ्री फाइव सेवन नाइन ऐसे, ये वन से स्टार्ट होगा. सो दे आर बोथ आर अनइक्वल. इफ एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन 2n plus 1 सेट इज नॉट इक्वल टू 2n minus 1 सेट. इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Integer के लिए कोई दोनों में कोई फर्क नहीं. Whenever natural number, then दो सेट, दोनों सेट में एक एलिमेंट का फर्क रहता है. इसमें एक एलिमेंट ज्यादा रहता है, ये वन से स्टार्ट होता है, whereas this one starts from three. तो natural number केस में आपको ये लेना पड़ता है. Okay. If one is present. ठीक है? तो सर इसमें क्या आएगा? इसमें प्लस ही आएगा ना, मतलब ग्राफ वाले में. ग्राफ वाले में ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, तो आपका अच्छा इंटीजर है ना. हां, whether you are taking 12 plus 1 or 12 minus 1, nothing difference. ओके, आपको जो अच्छा लग रहा है आप ले. ठीक है, हम इंटीजर रख रहे हैं ना. यस. ठीक है, ये एक दो तीन चार पांच छह, छह पॉइंट समझ में आया? हाँ सर. एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस, एक पूरा एक्स एक्सिस, एक इवन पाई, एक ऑड पाई, एक एन पाई, और एक पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, पूरा वाई एक्सिस. पॉजिटिव वाई एक्सिस इज द 12 पाई प्लस 5 बाय 2, दिस इज 12 पाई माइनस 5 बाय 2, टोटल वाई एक्सिस इज द ऑड पाई बाय 2. Right? Yes, sir. Yes, sir. ये आपका हो गया. तो आपको जो आप कुछ याद रख के आए हो ना, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 5 प्लस माइनस थीटा, कुछ याद रख के आए हो नाइन्थ टेंथ में, वो सब कुछ याद रखना नहीं पड़ेगा. इवन यू कैन टेल अबाउट व्हाट इज साइन 100 पाई माइनस थीटा, वो भी आप बता सकते हो. साइन 272 पाई माइनस प्लस थीटा क्या होगा, वो भी बता सकते हो. ठीक है, ये सिक्स पॉइंट्स याद रहा, मतलब समझ में आया? यस सर. हाँ सर. यस सर. ओके, करो. Now we'll learn about two things. One is the n-pi form, that is x-axis form. ठीक है, और एक learn करेंगे odd pi by 2 form, मतलब 2n plus 1 pi by 2, that is called odd pi by 2, ना?
दैट इज वाई एक्सिस। ठीक है, तो कोई केस में मैं एक्स एक्सिस यूज करूंगा, व्हेनेवर आई एम यूजिंग एक्स एक्सिस दैट इज कॉल्ड एन पाई फॉर्म, क्योंकि एक्स एक्सिस में एन पाई आया था। सम केसेस यू हैव टू यूज वाई एक्सिस, वाई एक्सिस मतलब ऑड पाई बाय टू फॉर्म। सर ये एंगल्स के हिसाब से होता है क्या? ठीक है, इन एन पाई फॉर्मैट, दैट आल्सो कॉल्ड पाई फॉर्मैट, इन पाई फॉर्मैट साइन इनपुट, इफ योर इनपुट साइन आउटपुट आल्सो साइन। अभी थोड़ा समझ में नहीं आएगा, अब इसका मतलब दैट इज साइन पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पाई फॉर्मैट, दिस इज कॉल्ड पाई फॉर्मैट और एन पाई फॉर्मैट। साइन पाई प्लस थीटा, आपका आंसर साइन थीटा होगा, आइदर प्लस साइन थीटा होगा और माइनस साइन थीटा होगा, ये दोनों से कोई एक होगा, दोनों नहीं होगा। ठीक है, बट वट एवर योर इनपुट आउटपुट रिमेन्स सेम। मैं आई एम ट्राइंग टू से दिस थिंग, वट एवर योर इनपुट आउटपुट आपका सेम होगा। इसका मतलब आप वेदर यू आर राइटिंग पाई और टू पाई और थ्री पाई और हंड्रेड पाई और 235, जो भी कुछ लिखो, आपका साइन साइन में रहेगा, इनपुट साइन आउटपुट भी साइन, इट मे बी प्लस इट मे बी माइनस। ठीक है कि नहीं? नहीं सर, नहीं समझ आया सर। तो जो हम लोग थीटा ऐड करेंगे n pi plus theta, तो वो theta भी हम लोग का आउटपुट में वही theta रहेगा ना? हाँ वही theta रहेगा। ओके सर समझ गया, वही theta रहेगा। cos n pi plus minus theta, plus करो minus करो जो भी करो, आपका आंसर cos theta में ही आएगा, either plus cos theta होगा और minus cos theta होगा। तो इनपुट मेरा जो है आउटपुट मेरा वही मिले, प्लस माइनस मतलब अगर इवन है तो वो चेंज नहीं होगा, मतलब साइन का साइन ही रहेगा इससे। वो हम आएंगे क्या होगा वो हम डिसाइड करेंगे, अभी नहीं डिसाइड कर रहे। मैं इतना अच्छा बता रहा हूं, एंड वंस ही यूज पाई फॉर्मेट, पाई फॉर्मेट मतलब एन पाई फॉर्मेट। ठीक है, योर साइन रिमेन साइन, cos cos होगा, tan tan होगा, cot cot होगा, cosec cosec, sec sec, मतलब whatever your input, output remains same. It may be plus, it may be minus. तो आपको तैयार करना, आपको तैयार करना है whether it is plus sign or minus sign, that you have to follow your ASTC formula. Using ASTC, आपको plus sign, minus sign पता चलता है। बराबर? समझा सर। तो मैं इतना लिख रहा हूं, वट एवर योर साइन इन साइन एन पाई प्लस और माइनस थीटा, आपका आंसर आइदर प्लस साइन थीटा होगा और माइनस साइन थीटा। इसका मतलब साइन इनपुट आउटपुट भी साइन, कॉस कॉस में आएगा, टैन टैन में होगा, कोसेक कोसेक में आंसर होता है, सेक सेक में आंसर होता है, कॉट कॉट में भी आंसर होता है। बट इफ यू यूज पाई बाय टू फॉर्मेट, ऑड पाई बाय टू फॉर्मेट, इन दिस फॉर्मेट मतलब साइन 17 पाई बाय टू प्लस थीटा, दिस इज कॉल्ड ऑड पाई बाय टू फॉर्मेट। यू कांट राइट 18 पाई बाय टू, लिख नहीं पाओ। 18 पाई बाय टू लिखोगे तो क्या होगा? Even, मतलब pi by 2 हो जाएगा, तो 9 pi. तो pi format में convert हो जाएगा, pi format में हो जाएगा, okay. क्योंकि ये 2 cancel हो जाएगा ना, तो that becomes 9 pi. तो pi format में convert हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, इसलिए और pi by 2 ले जाते हैं। तो इसका answer, if input sign, आपका output मिलता है cos. Okay. ठीक है, it may be plus cos, it may be minus cos. कोई एक रहेगा, दोनों नहीं होता है। तो साइन इनपुट आउटपुट आपका कॉस, कॉस का इनपुट आउटपुट होगा साइन।
tan डालोगे आपको cot में आंसर मिलेगा, cot डालोगे tan मिलेगा, cosec डालोगे sec में आंसर मिलेगा, sec डालोगे cosec मिलेगा. sin 90 minus theta कितना पता था? cos theta. cos theta. तो इनपुट आपका sin, आउटपुट आपका cos. sin pi minus theta क्या मिला था? क्या? sin pi minus theta. साइन पाई माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, नहीं माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस साइन थीटा. साइन थीटा मिला था, ठीक है आपको भी याद नहीं तो मतलब चलेगा. साइन थीटा मिला था तो उधर इनपुट साइन था, आउटपुट भी साइन. फॉर्मेट आपका क्या था? पाई फॉर्मेट की पाई बाय 2 फॉर्मेट, पाई फॉर्मेट, पाई फॉर्मेट, पाई फॉर्मेट. टू फॉर्मेट्स यू हैव टू लर्न हियर. Two formats. One is the pi format or it is called n-pi format. जहाँ पे x axis use होता है. Another format is called odd pi by 2 format. जहाँ पे y axis use होता है. Once you use x axis, आपका ratio change नहीं होगा. Ratio remains same. It may be plus, it may be minus. Minus. If you use y axis, आपका ratio change हो जाता है. कैसे change होता है? Sine change to cos. cos change to sin. tan cot में होता है, cot tan में होता है, cosec sec में होता है, sec cosec. okay. ठीक है सर. और sin sin मतलब पॉजिटिव नेगेटिव sin का क्या होएगा? whether it is plus or minus that you have to, वो आपको पता चलेगा whether plus cos theta होगा कि minus cos theta होगा. It may be plus cos theta or minus cos theta. लेकिन cos theta रहेगा, ये बता. cos theta आंसर में आएगा ही आएगा. It may be plus cos theta, it may be minus cos theta. तो how to choose your plus sign or minus sign? That you have to follow ASTC. ASTC आपको follow करना पड़ेगा. अब समझा? Yes sir, समझा. ये note कर दो, फिर मैं आ रहा हूँ. अभी भी नहीं, जब तक हम question नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा. जस्ट नोट करो, मैं बताता हूँ. सो व्हेन ये वाला पाई बाय 2 वाला जो फॉर्मेट रहेगा वहां पे प्लस और माइनस दोनों में आंसर आ सकता है ना? दोनों नहीं आता है, कोई एक आएगा, आइदर प्लस और माइनस. वो आप बताओगे अभी. एन पाई वाले में दोनों में भी आ सकता है. एन पाई में भी दोनों नहीं आता है, किसी में दोनों प्लस माइनस एट ए टाइम दोनों नहीं आता है. ओके सर. कोई एक साइन आएगा, आइदर प्लस और माइनस, दैट यू हैव टू फॉलो योर एएसटीसी. ओके सर. टू गेट दैट साइन प्लस और माइनस. करते क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा, तब तक पता नहीं चलेगा. सर वो ऊपर क्या लिखा है? n pi form f e r m format form f o r n pi form f o r m. ओके सर. रब करो. हाँ सर. सपोज थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2, मतलब मैं एक्यूट एंगल ले रहा हूँ सपोज. हालांकि ऑब्टूस रखो कुछ भी रखो फर्क नहीं पड़ता है. अब फिलहाल मैं कंसीडर कर रहा हूं लेट अस टेक थीटा लाइज इन बिटवीन 0 टू पाई बाय. इफ दिस एंगल 12 पाई, पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल को मैं क्या लिखूंगा? 2n पाई प्लस थीटा प्लस थीटा. यस, द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल इज द 2n पाई प्लस थीटा. दैट मींस every even pi plus theta you can consider that lies in first quadrant. This is even pi plus theta. Every even pi plus theta angle you can consider first quadrant angle, irrespective aapka theta acute ho ki obtuse ho, but aap consider karo it is lies in first quadrant. Understood? Okay. Yes sir.
सेकंड क्वाड्रेंट एंगल को क्या लिखोगे? सेकंड क्वाड्रेंट 4n 4n plus 1 pi by 2 plus theta. नो उसमें y एक्सिस चेंज करोगे तो y एक्सिस यूज करोगे आपका थीटा थीटा नहीं रहेगा कितना आएगा ऑड पाई माइनस थीटा आई एम यूजिंग एक्स एक्सिस y एक्सिस अभी तक यूज नहीं किया ठीक है आई एम यूजिंग x एक्सिस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल ऑलवेज यू कैन राइट इवन पाई प्लस थीटा इवन पाई नॉट इवन पाई प्लस थीटा एंगल यू कैन कंसीडर एज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल ऑड पाई माइनस थीटा एंगल यू कैन कंसीडर एज सेकंड क्वाड्रेंट एंगल थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा सर मतलब आप जो ऑड पाई प्लस थीटा ये क्या है सर मतलब ये यूज क्योंकि मैंने लिखा था ना साइन एन पाई प्लस माइनस थीटा ऐसा कुछ लिखा था ना हाँ इज इक्वल टू साइन थीटा और माइनस साइन थीटा याद रखो इवन पाई प्लस थीटा फोर्थ फर्स्ट क्वाड्रेंट इवन पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट ऑड पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट ऑड पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट इसमें कुछ डाउट है नहीं है ना सर ऑड पाई माइनस थीटा उधर क्यों आया समझा नहीं इधर ऑड पाई रहा हाँ यहाँ का एंगल इससे कम है कि बड़ा है क्या समझा नहीं सर इधर का जितने सारे एंगल ये एंगल से बड़ा होगा कि छोटा होगा छोटा छोटा मतलब क्या होगा कम होगा और पाई से कुछ कम कर रहा हूँ ओके हाँ समझा समझ ओके और पाई माइनस यहाँ का एंगल क्या होता है और पाई से ज्यादा होता है बड़ा होगा और पाई से कुछ बढ़ेगा ना हाँ हाँ इट इस तो इसलिए प्लस थीटा करते हैं ओके ओके समझा समझ ये इवन पाई ये कुछ बढ़ रहा है तो प्लस थीटा क्या है ये कुछ कम हो रहा है माइनस ओके ओके ठीक है समझाइए चार पॉइंट इतना आपको चाहिए यहां से आप सब कुछ निकालोगे ठीक है ये चार को सम अच्छे से समझो मतलब ये आपका बेस यहां से सब कुछ बनता है ये इवन पाई ये ऑड पाई हुआ ये इवन पाई प्लस थीटा ये इवन पाई माइनस थीटा ये ऑड पाई माइनस थीटा ये ऑड पाई प्लस थीटा राइट अब बताओ मुझे साइन 27 पाई माइनस थीटा क्या होगा क्या होगा आपका आंसर क्या होना चाहिए साइन थीटा साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा ना सेकंड क्वाड्रेंट में होगा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या मैंने क्या बताया था This is coming under which format? Odd pi minus theta. Minus theta. Pi format. Pi format. Pi format में sin answer sin में ही आएगा. Sin में ही होगा. Plus sin theta. तो इसका answer either plus sin theta होगा नहीं तो minus sin theta होगा. ये हाँ ये तो confirm है. I didn't get that. आपको select करना है कि a angle कौन सा quadrant में है. 27 pi minus theta lies in which quadrant? Second quadrant. सेकेंड क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव तो दिस इज द आंसर दिस इज नॉट योर आंसर ओके ओके गॉट इट अंडरस्टूड
यस सर। नहीं किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ सर। बट 27 पाई तो n पाई फॉर्मेट में होता है ना। हाँ तो वही तो। अरे नहीं 27 पाई तो ऑड पाई फॉर्मेट में होता है। सॉरी 27 तो ऑड है ना। हाँ ऑड पाई फॉर्मेट में नहीं आएगा। ऑड पाई कहाँ पे रहता है? ऑड पाई माइनस 27 तो 2n प्लस 1 होता है। ऑड ऑड पाई कहाँ कौन सा साइड में रहता है? हाँ पे रहता है ऑड पाई माइनस माइनस ऑड पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट ये साइड में रहता है। हाँ नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है। तो कुछ कम कर दिया माइनस कर दिया माइनस थीटा किया कुछ कम हुआ तो कहाँ पे जाएगा एंगल कहाँ पे रहेगा? सेकंड क्वाड्रेंट। क्या हुआ कुणाल समझ में आ रहा है मुझे? हाँ सर आ गया समझ में। समझा कि नहीं? समझा सर। कुणाल बता सर एक्चुअली मैं क्या नहीं समझा बताए कि 27 मैं क्या नहीं समझा वो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 27 पाई है ना तो n पाई फॉर्म में कैसे आया? n क्या है? n 27 नहीं n क्या है आपके दिमाग में? n क्या है? मेरे दिमाग में n इवन नंबर है। n इवन नंबर तो 2n क्या है? ऑड नंबर। नहीं नहीं n तो इंटीजर है। इंटीजर से 27 इंटीजर नहीं है क्या? है है 27 इंटीजर ना। हाँ हाँ कौन सा इंटीजर? पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर। ऑड इंटीजर इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर? ऑड है ऑड है ऑड इंटीजर। तो ऑड पाई माइनस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। तो वही बोला सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है। अच्छा ओके ओके समझा। ठीक है गॉट इट और नॉट? Yes. Can 257 pi plus theta क्या होगा? First quadrant. नहीं सर third quadrant. Third quadrant है. Positive tan theta. Third quadrant. Tan theta. Third quadrant. Positive tan theta. Yes. Yes. हाँ सर हाँ सर ये तो इजी है। कौन सा क्वाड्रेंट में रहा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है? पॉजिटिव 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 तो क्या हो जाएगा? प्लस टैन थीटा बराबर। हाँ सर हाँ सर यस सर। ये वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक थीटा होगा पॉजिटिव कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा पॉजिटिव कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस थीटा हो रहा है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा माइनस कॉसेक और क्योंकि उसमें सिर्फ कॉस और सेक की पॉजिटिव रहते तो कॉसेक माइनस होगा। क्या होगा सर? माइनस कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा समझ आ रहा? हां सर हां सर समझ आ रहा। कौन सा क्वाड्रेंट में रहा? फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? नेगेटिव नेगेटिव किसने बोल रहा था? क्या समझ में नहीं आ रहा है बताओ। तो वो कोजेक वाला फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ना? हां दैट कोजेक 9.8 पाई माइनस थीटा विल कम इन द फोर्थ क्वाड्रेंट नो? यस यस। हां ये व्हाट इज इवन नंबर क्या ऑड नंबर? इवन 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 पाई माइनस थीटा राइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब क्या आप सोच रहे हो? मैंने छोटा सा चीज बताया ये इवन पाई प्लस थीटा ये इवन पाई माइनस थीटा ये आपका ऑड पाई माइनस थीटा ये आपका ऑड पाई प्लस थीटा ये चार चीज तो बताया।
और ये भी ऐसा कुछ भी याद रखने का चीज नहीं है, इधर इवन पाई होता है, यहाँ पे एंगल इवन पाई होता है, कुछ एंगल बढ़ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, दैट्स व्हाई इवन पाई प्लस थीटा, यहाँ पे कुछ एंगल कम हो रहा है तो इवन पाई माइनस थीटा, यहाँ पे होता है ऑड पाई, ऑड पाई से एंगल कुछ कम हुआ क्योंकि ये मैंने क्लॉकवाइज घुमाया, क्लॉकवाइज घूमेगा तो एंगल नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे ऑड पाई था, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए मैंने क्लॉकवाइज घुमाया तो माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया प्लस थीटा। आपको सिर्फ क्वाड्रेंट सिलेक्ट करना है, मैं जो एंगल दे रहा हूँ विच लाइज इन विच क्वाड्रेंट, दैट एंगल लाइज इन विच क्वाड्रेंट, दैट यू हैव टू सी, इसके बाद एएसटीसी को फॉलो करो, समझा कि नहीं? हाँ समझा सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। जिसको नहीं समझा बताओ, ऐसा कुछ नहीं। सर आप और दो एग्जांपल्स और दो तीन एग्जांपल्स दो ना, तो सम सर आप एक एग्जांपल 2n + 1 π/2 फॉर्मेट में दो ना, सी प्रपोज तेज तेज सर क्या बेटा दिखाई नहीं दे रहा है क्या, तेज नो सर पूरा कंटेंट पूरा ब्लर हो गया लिखा हुआ, नहीं नहीं मैं लैपटॉप के पास जाता हूँ तो थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देता है, नहीं सर ब्राइटनेस नहीं वो ब्लर हो गया पूरा, अभी ब्लर नहीं है बहुत लाइट ज्यादा है, ब्लर है क्या? हाँ सर नहीं ब्लर नहीं है, ब्लर नहीं है, मैं जब आपके इधर जाता हूँ ना वो ब्राइटनेस बढ़ा देता है ऑटो, इसलिए हाँ हाँ मतलब ब्लर नहीं होता है, हाँ हाँ सर बराबर है क्लियर है, हाँ सर दिख तो रहा है सर, मतलब हाँ सर क्लियर है, नहीं 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 तेज का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है सर, क्लियर कुछ नहीं दिख रहा है ये कौन, हाँ सर अभी राइट साइड का थोड़ा लाइट ज्यादा आ रहा है उसके ऊपर, हाँ वो सर पास में ना ब्राइटनेस बढ़ गया, अभी ठीक हो गया, ब्राइटनेस गया, नेगेटिव साइन थीटा, अच्छा ये तो पक्का पता चल गया कि साइन साइन में आएगा, कॉस कॉस में होगा, टैन टैन में होगा, आप सिर्फ डिटेक्ट करो कि प्लस माइनस क्या होगा, माइनस सर पहला माइनस है, सेकंड प्लस है, सेकंड पॉजिटिव है, थर्ड माइनस है, फोर्थ प्लस है, फोर्थ पॉजिटिव, माइनस प्लस का पैटर्न, माइनस प्लस माइनस प्लस आगे भी माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस एंड प्लस अगेन प्लस, हाँ तो बराबर है,
सर सेकंड फॉर्मेट में भी सेम टेक्निक अप्लाई होगी ना, बस उल्टा हो जाएगा। कौन सा? 2n पाई 2n प्लस 1 पाई बाय 2 फॉर्मेट में। हां वो क्या करोगे वो तो फिर मतलब उसके क्वेश्चन हम ये नहीं। हां बट उसमें क्या होता है साइन कॉस में चेंज होता है। हां कॉस साइन में होता है, साइन कॉट होता है, कॉट टैन होता है, कोसेक होता है, सेक कोसेक होता है। हाँ लेकिन ये टेक्निक तो सेम ही रहेगी ना, मतलब टेक्निक रिमेंस है और प्लस। हाँ डन। यस सर। इसमें कुछ डिफरेंस है किसी का तो बताओ। आप बता रहे हो कि माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होगा, इनफैक्ट आप ये बोल दो कि ये दिस इज माइनस साइन थीटा, दिस इज प्लस कॉस थीटा, दिस इज माइनस टैन थीटा, दिस इज प्लस कोसेक थीटा। हां सर बराबर। थीटा प्लस कॉट थीटा ये बता रहे हो, इसमें किसी का डिफर आ रहा थे बताओ। Anyone got different answer? No, sir. No. Use screen sharing on next lecture. क्या करण क्या बोलना चाहते हो? सर बार बार व्हाइट बोर्ड है ना ब्लर हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम से बोर्ड से बोर्ड में नहीं करेंगे? नहीं अगर स्क्रीन शेयरिंग करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके बट उसमें स्पीड कम होगा। लास्ट टाइम आपका ही प्रॉब्लम था ना? हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ लास्ट टाइम आपका प्रॉब्लम था, आप बीच बीच मतलब लेफ्ट किए थे। सर वो बारिश की वजह से नेट काम नहीं कर रहा था। तो स्क्रीन शेयरिंग में ऐसा नहीं होगा क्या? सबको यही मिला? यस सर। यस ये लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? 235 पाई प्लस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है? नेगेटिव। राइट। ये लाइजिन फोर्थ क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। दिस इज लाइजिन व्हिच क्वाड्रेंट? सेकंड। टैन क्या होता है? नेगेटिव। दिस इज लाइजिन व्हिच क्वाड्रेंट? सेकंड। कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव। दिस इज लाइजिन व्हिच क्वाड्रेंट? तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा माइनस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? माइनस साइन थीटा। माइनस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट सेकंड एंड फोर्थ बोथ। सेकंड और फोर्थ? ओ और फोर्थ। हां सर सेकंड और फोर्थ दोनों में से कोई सा भी। क्यों सेकंड कैसा आ गया? एक सर फोर्थ।
सेकंड क्वाड्रेंट में तो प्लस होगा इसलिए फोर्थ में माइनस होगा तो फोर्थ सर इवन पाई माइनस थीटा लेंगे तो फोर्थ में आ गया सर लेकिन सर माइनस थीटा है ना फोर्थ में सर माइनस थीटा जब लिख रहा हूँ उसके आगे कौन सा पाई जीरो 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 इनटू पाई जीरो इनटू पाई इवन पाई जीरो इवन इवन तो आपको सेकंड में आ गया फोर्थ में आ गया सर फोर्थ फोर्थ कंटेंट So minus theta always lies in fourth quadrant. If theta lies in first quadrant, then minus theta, if this is theta, this is minus theta. Last time yes. I know theta. Minus theta always lies in fourth quadrant. So sine of minus theta kya hoga? Minus sine theta. Minus sine theta. Cos of minus theta kya hoga? Plus cos theta. Cos theta. Plus cos theta. Yes. Cos theta. tan of minus theta kya hoga minus tan samjha yes now come to 5 by 2 format or 5 by 2 format साइन 23 पाई बाय 2 प्लस थीटा आप कंसीडर करो कि 23 पाई बाय 2 प्लस थीटा लाइज इन व्हिच क्वार्टर एक तो ये कंफर्म हो गया कि साइन चेंज टू कॉस इसका आंसर थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट और माइनस कॉस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट 23 पाई बाय 2 प्लस थीटा लाइज इन व्हिच क्वार्टर सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट है चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट सर नेगेटिव कॉस थीटा नहीं पॉजिटिव कॉस थीटा साइन ऑफ कॉस थीटा पॉजिटिव कॉस बोलो सेकंड साइन किसका देखते हैं जो जो इनपुट है उसका कि आउटपुट का इनपुट का साइन इनपुट का देखते हैं ना इनपुट का साइन इनपुट का साइन इनपुट ऑफ क्या होगा उधर मेरा इनपुट साइन में है आउटपुट नहीं है तो साइन उधर क्या होगा ये व्हाटएवर योर क्वाड्रेंट कमिंग वो क्वाड्रेंट साइन क्या देता है सही तो थर्ड क्वाड्रेंट है नहीं इनपुट का साइन मत देखो थर्ड क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट है माइनस कॉस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड माइनस थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड थर्ड सेकंड 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 तो फिर कॉस थीटा आएगा हां पाई बाय 2 है ना सर सेकंड क्वाड्रेंट होगा सर फोर्थ इधर सेकंड फोर्थ का फोर्थ भी हो सकता है थर्ड फोर्थ अब फर्स्ट बोलो भी फोर्थ सेकंड या फोर्थ ही होगा कोई फर्स्ट मत बोलना अभी बस सर इट शुड बी थर्ड क्वाड्रेंट नो इट शुड बी सेकंड क्वाड्रेंट हाउ शुड बी सेकंड क्वाड्रेंट बस खत्म ये नहीं सर सेकंड क्वाड्रेंट होगा क्योंकि पाई बाय 2 के साथ प्लस हो रहा अगर माइनस होता तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता फोर्थ क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड 23 पाई और 24 पाई के बीच में आएगा इसलिए सर फोर्थ में शायद से फोर्थ क्योंकि फोर्थ में आएगा हां सर फोर्थ में आएगा फोर्थ में आएगा सर फोर्थ ही होगा सर फोर्थ क्वाड्रेंट शायद क्योंकि ये 4 है माइनस 1 एक्सप्रेसिबल है ना सर अब डालो मैंने डाल लिया हां सर हो गया अचानक आया सर सबमिट कर दिया सर क्या चले हां सर सबमिट कर दिया
so far 26 26 and number of attempt is 38 baki batao sab dalo fourth quadrant 60% wow are third quadrant 13% second quadrant 25% थर्ड में तो हो ही नहीं सकता सर तो मैं तो नहीं इंडिया फोर्थ में ही होगा मतलब फोर्थ में है सर वैसे ट्वेल्व ट्वेंटी 33 सो फार और बाकी तो वोट करो पांच लोग नोटा वाले सर ठीक है पोल एंड करते हैं 34 26% second fourth 63% चलो चेंज करने का ठीक है तो फोर्थ क्वाड्रेंट इज द राइट आंसर हाँ सर आपको देखना 23 पाई बाय 2 में आप चेक करो हाउ मेनी कंप्लीट रोटेशंस आर देयर सर वो देखा पहले मैंने गलती से माइनस कर हाउ मेनी कंप्लीट रोटेशंस आर देयर 11 नॉट 11 कंप्लीट 11 एंड हाफ नहीं 23 हाफ रोटेशंस फाइव कंप्लीट रोटेशंस फाइव कंप्लीट रोटेशंस क्योंकि वन कंप्लीट रोटेशन इज द 2 पाई 2 पाई मतलब 4 टाइम्स ऑफ पाई बाय सर नहीं सर समझा नहीं वापस बोलो वन कंप्लीट रोटेशन इज द 2 पाई That is 4 times of pi by 2. Yeah. So 4 times pi by 2 mein ek complete rotation hota hai. Every complete rotation you can consider as 0. Yes. Jaise hum 400 degree ko kya maane the? 40. 40 degree. Kyun maane the? Kyunki usme ek complete rotation aa gaya. 360 equals to 0. 400 degree is equal to 360 plus 40 degree. तो इसको मैंने जीरो मान लिया तो जितना कंप्लीट रोटेशन आता है यू कैन कंसीडर दैट इज जीरो यू कैन कंसीडर जीरो जितने कंप्लीट रोटेशन तो आपका 23 पाई बाय 2 क्या लिखोगे 4 पाई बाय 2 प्लस इनटू 5 4 पाई नो मतलब 8 पाई कितना होगा सर 11 पाई प्लस पाई बाय 2 ठीक है प्लस थीटा ये भी कर सकते हो 11 पाई कहां पे रहता है नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस को इधर आ 11 पाई क्योंकि और पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस नेगेटिव पाई लेजेंडरी क्वाड्रेंट फोर्थ सर 11 पाई कैसा है मुझे अभी भी नहीं समझ में आ कैन यू एक्सप्लेन अगेन 23 बाय 2 को आप 11 प्लस हाफ लिखोगे ना 23 बाय 2 यू कैन राइट 11 प्लस हाफ ओके ओके या तो 23 पाई बाय 2 यू कैन राइट 11 पाई प्लस पाई बाय 2 इसको चेक करो ना या या सर गॉट इट ओके करो ना सो वी नीड टू ब्रेक द नंबर एंड देन डू इट समझाइए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है माइनस नेगेटिव नेगेटिव तो आंसर क्या होगा माइनस कॉस माइनस कॉस आपको देखना है कि कॉस क्या होता है आप और नहीं देखोगे कॉस क्या होता है यू हैव टू चेक साइन आपका इनपुट साइन साइन में ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है साइन का फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा साइन देता है whether it is positive negative. or negative तो minus cos theta will be answer cos क्या आ रहा है मुझे कोई लेना था समझाइए fast test समझा कि नहीं अच्छा तो आपका quadrant choose करना difficult हो रहा है case में और एक दे रहा हूँ देखते बड़ा बड़ा tan 239 pi by 2 plus theta third quadrant
आंसर क्या होगा? टू थर्टी नाइन पाई बाई टू माइनस थीटा बिलोंग्स टू व्हिच क्वाड्रेंट? फर्स्ट वो तैयार करो. फोर्थ क्वाड्रेंट सर. सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ये. नहीं नहीं थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड. वन सेकंड पोलिंग स्टार्ट कर दी. अच्छा वेरी गुड. 22 बता रहे थर्ड क्वेश्चन. तीन बता रहे कि सेकंड क्वेश्चन. एक बता रहे फोर्थ क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन कोई नहीं बता रहा है. अजीब सर. फर्स्ट तो नहीं है. फर्स्ट नहीं है सर. आंसर फर्स्ट किसने नहीं डाला? फर्स्ट नहीं आ सकता सर. थर्ड ही है. अरे नहीं फर्स्ट या थर्ड नहीं आ पाएंगे. सेकंड या फोर्थ ही आएगा. 33 थर्ड ही है. स्टिल 35 हो गया. ठीक है और तीन भी नहीं दे रहे. चलो तो 17% सेकंड क्वाड्रेंट, 78% आपका थर्ड क्वाड्रेंट, 6% फोर्थ क्वाड्रेंट, 0% फर्स्ट क्वाड्रेंट. चलो थर्ड क्वाड्रेंट इज द राइट आंसर. यस सर. सर 118 प्लस पाई बाय 2 नहीं 119 प्लस पाई बाय 2 वो मैंने गलती से रॉन्गली काउंट किया. मतलब प्लस कॉस थीटा. प्लस कॉस थीटा. इसका और एक शॉर्टकट बताओ. हाँ सर. हाँ सर. हाँ बोलो. समझ में आ रहा तो ठीक है. जिसको नहीं समझा अभी तक भी क्योंकि वो मैं देख रहा हूँ मतलब नीली 25% समझ में नहीं आ रहा उनको मतलब ये उनके लिए शॉर्टकट. नहीं सर मेरे को भी नहीं आया. शॉर्टकट है कि व्हाटएवर योर पाई बाय 2 का जो कोफिशिएंट दिया गया, पाई बाय 2 के साइड में जो नंबर दिया गया, दैट नंबर डिवाइड बाय 4, जस्ट डिवाइड दैट नंबर बाय 4, ठीक है, एंड चेक योर रिमाइंडर. 23 डिवाइड बाय 4, व्हाट इज योर रिमाइंडर? 23 बाय 4, व्हाट इज योर रिमाइंडर? 3 तो इसको कंसीडर करो. 3 पाई बाय 2 माइनस प्लस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? 4 पाई बाय 2 प्लस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? 5 बाय 2 टू बाय 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? 4 4 क्वाड्रेंट. वही मिला था. हां सर. अच्छा 239 डिवाइड बाय 4 व्हाट इज योर रिमाइंडर? 3. Now it is 3 pi by 2 minus theta. Lies in which quadrant? Third. Yes. Samjha? Yes, sir. Pi by 2 ka coefficient diya gaya. Pi by 2 ke side mein jo bhi number diya gaya, wo number ko aap 4 mein divide kar do.
रिमाइंडर क्या हो सकता है? वन या थ्री? वन टू थ्री, सिर्फ जीरो वन टू थ्री, जीरो वन टू थ्री, वन और थ्री, वन होगा नहीं तो थ्री होगा, टू नहीं, जीरो टू आ नहीं पाएगा क्योंकि इसके साइड में कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है, ऑड नंबर इफ यू डिवाइड बाय फोर, ऑड नंबर को फोर में डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या होगा? वन आएगा, वन आएगा नहीं तो थ्री आएगा, जीरो टू का चांस नहीं, ठीक है? इफ वन कमिंग उसके जगह वन लिख दो, इफ थ्री कमिंग राइट थ्री, दैट्स इट, इसके बाद आपको पता चल जाएगा। जैसे 547 पाई बाय 2 माइनस थीटा बोल दो, लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड सर, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। कैसे चेक कर रहे हो? हाउ यू नो नंबर डिविजिबल बाय 4? लास्ट टू डिजिट्स, ओनली लास्ट टू डिजिट चेक करो ना आप, इसको सब थोड़ी चेक करोगे। 47 बाय 4 रिमाइंडर क्या है? 3। तो ये हो गया 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। 953 पाई बाय 2 प्लस थीटा बिलोंग्स टू व्हाट? सेकंड। सर मुझे समझ नहीं आ, डिवाइड बाय 4 करने पर क्या आ रहा है? Like 3 and 1, समझ रहे हैं? तो रिमाइंडर, रिमाइंडर सर, लास्ट टू डिजिट्स को 4 से डिवाइड करके उसका जो रिमाइंडर होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट सर, सेकंड क्वाड्रेंट। क्या हुआ, दिक्कत क्या हुआ इसमें? इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1, 1, 1, तो पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? सेकंड, सेकंड। Pi by 2 plus theta, let's in which quadrant? Second quadrant. Suppose ये minus होता, तो कहाँ पर रहेगा? First. First. First quadrant. समझाइए? Yes. हाँ सर. Yes sir. किसको नहीं समझा बताओ? समझ गया सर. समझा? समझ गया. दो चार तो क्या निकल गए? Based on that. Giving 5-6 questions. सर आपकी स्क्रीन ब्लर है, क्या लिखा है? कॉस नहीं सर, बराबर है, कॉस लिखा है, कॉस Cos, yes. Sudden. Then. Done, sir. Done, sir.
बेटा तेज सा क्या हो रहा है? तेज ओनली अप्लीकेबल फॉर पाई बाय टू और पाई ऑल्सो, इसका मतलब आप ठीक से सुन नहीं रहे हो, एक क्वेश्चन को बार बार पूछ रहे हो, क्या चल रहा है? बट मेरा तो आवाज तो सुन रहे हो ना? आवाज तो सुनाई दे रहा है कि नहीं? वो भी नहीं सुनाई दे रहा है। पूछ रहा है कि whether it is applicable, जो मैंने शॉर्टकट फॉर्मेट बताया, whether it is applicable pi by 2 और pi format। तो pi format में तो आपको क्लियरली पता चलता है कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, pi by 2 में आपका रोटेशन में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैंने शॉर्टकट दिया। और जब मैं बोल रहा हूँ रिमाइंडर 1 3 आएगा, वो तो सिर्फ पाई बाय टू फॉर्मेट में आएगा ना? बताओ आंसर। फर्स्ट वन, सेकंड क्वाड्रेंट, कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, माइनस सर माइनस प्लस माइनस कॉट कॉट है माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा माइनस सेक्स थीटा और माइनस कोसेक थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट किसी का कुछ डिफरेंट आया तो बताओ। सर मेरा प्लस टेन थीटा आया। कौन सा? मेरा भी सर। सर कॉट फोर्थ वाला सर, मेरा भी प्लस टेन थीटा, मेरा भी। ओके, एनीथिंग एल्स? No. 997 remainder what? 1 pi by 2 plus theta lies in which quadrant? Second quadrant. Second quadrant mein sign kya hota hai? Positive. Positive. Answer is the plus cos theta. Okay. 349 remainder? 1 Again, pi by 2 plus theta, that's in second quadrant. Second cos क्या होता है? Minus sine theta. Second. 1015, remainder? Third quadrant. 15 था, remainder 3. 3 pi by 2 plus theta, that's in fourth quadrant. Fourth में tan क्या होता है? Negative. 673 remainder? 1 pi by 2 minus theta, pi by 2 minus theta lies in which quadrant? Second. First. Pi by 2 minus theta. Fourth quadrant. So first na? First quadrant. Pi by 2 minus theta, pi by 2 se kam hai. First quadrant. All positive. Everything positive. Everything positive. बस इसमें confused हो गया। 595 remainder. 3. 3. 3 pi by 2 plus theta. Like you know it. Fourth quadrant. में कुछ क्या होता है? Negative. और 929 मतलब 1. 1 हाँ. 5 by 2 plus theta. कुछ भी याद रखना नहीं पड़ेगा, फॉलो योर क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट जो 2 एंड पाई मतलब x एक्सिस y एक्सिस। यस ठीक है, ओके सर, चलो आज के लिए इतना। सर असाइनमेंट होमवर्क दे देना, आज असाइनमेंट मिलेगा आपको। बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर, बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर, सर थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू ऑल, थैंक्स।